इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम 7:30 बजे रिया की पेशी होनी है। जी हाँ, 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की पेशी होनी है। थोड़े दिन पहले ही कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि कोविड के चलते इस पूरे केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। मैं आपको बता दूँ, गिरफ्तारी हो गई है। अब NCB कितने दिनों की रिमांड मांगती है कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंट्रोगेशन के लिए, देखना इम्पॉर्टेंट होगा। 7 दिन की रिमांड शौविका सैमुअल के लिए मांगी थी, उनको 4 दिन की रिमांड मिली थी। अब रिया पे भी वही चार्जेस लगे हैं, तो रिया को कितने दिन की रिमांड मिलती है ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पूरा ये पेशी जो है इसको अंजाम दिया जाएगा। रिया चक्रवर्ती का फिलहाल मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है सायन अस्पताल में। सतीश माने शिंदे एडी चोटी का जोर लगा देंगे कि वो रिमांड ना मिलने दें, लेकिन NCB भी उसके पास पुख्ता सबूत है रिमांड लेने के लिए। तो फिलहाल जो दिखाई पड़ रहा है, रिया को कम से कम 5 से 7 दिनों की रिमांड में ले सकती है NCB कस्टोडियल इंट्रोगेशन करने के लिए। मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती पर बहुत सारी धाराएं NDPS के, बहुत सारे एक्ट की लगी हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करने, कंज्यूम करने, प्रोक्योर करने, एडमिनिस्टर करने का आरोप लगा है। ऐसे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनकी पेशी पर कोर्ट का क्या फैसला आता है, NCP को कितने दिनों की रिया की रिमांड मिलती है। मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है, उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। शाम 7:30 बजे उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। चूँकि देश पैंडेमिक में है, मुंबई में इसका ज़्यादा असर है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनज़र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी कार्रवाई हो रही है। बने रहे मेरे साथ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वीडियो लाइक भी कर लें। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता सिंह।